आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 6 करने वाले हैं, आरएस अग्रवाल चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट, आरएस अग्रवाल के नए बुक नए एडिशन 2020 के एडिशन से। और इससे पहले के सारे क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल और हर एक चैप्टर वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैं क्या कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द फिगर इन द गिवन फिगर। अच्छा देखो, ये जो एग्जांपल है आपका, ये 25 एग्जांपल तो पहले इसका ऑलरेडी था जो कि करवा दिया है, उसके बाद 20 एग्जांपल और है, 20 एग्जांपल में से ये छठा एग्जांपल है। तो बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में आपका जो पोर्शन जो डिजाइनिंग किया हुआ है सिर्फ उसका ही मुझे एरिया निकालना है। और इस तरह क्वेश्चन आपको आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी जनरली पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ, क्या बोल रहा है, रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। बोल रहा है कि दो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट के बीच का जो कॉमन पोर्शन है, यानी कि एक क्वाड्रेंट है हमारा ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्वाड्रेंट हो गया इतना सा, और एक क्वाड्रेंट हो गया हमारा ये, और दोनों क्वाड्रेंट की ये जो पोर्शन है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही कॉमन पोर्शन हमें निकालना है। तो कैसे निकाल, देखो इसका इस फिगर में जो डिजाइन पोर्शन है इसका कैसे निकालेंगे एरिया वो देख लो। अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम सिर्फ इतना सा पोर्शन एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, सिर्फ इतना सा पोर्शन ये फिगर, तो ये फिगर कुछ ऐसा है। देखो तो ये है आपका कुछ ऐसा, ये यहाँ तक ऐसा है, ये ऐसे गया, ये इतना फिगर है आपका, ठीक है। और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, जो कि ये है AC, ठीक है ना। इसका नेमिंग मैं करता हूँ ABC, और यहाँ पर E है। तो अब देखो ये हो गया हमारा कि यहाँ तक, अगर हम इसको देखें तो ये सेगमेंट निकल रहा है हमारा, सेगमेंट है क्वाड्रेंट का सेगमेंट है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम एक पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक पोर्शन को सॉल्व करने के लिए तुम खुद सोचो कि हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ रहा है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्टर, और सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल मैच करेंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। तो ये हाफ निकलेगा हमारा, और हाफ इधर भी होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे टू, क्योंकि हाँ एक पोर्शन एक बार तो इधर हो गया और एक बार इधर हो गया, दो बार मुझे ऐसा करके निकालना पड़ेगा। तो दो बार निकालेंगे तो जाके हमारा पूरा कंप्लीट डिजाइन पोर्शन निकलेगा, तो इसीलिए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। तो तुम खुद देखो ना कि ये इतना है, और दूसरा पोर्शन हमारा कैसा है, इसी पर एक क्वाड्रेंट यहाँ से गया हुआ, इसी को अगर हम ऐसे खड़ा कर दें और ये इसीलिए आए, तो ये यहाँ से एक क्वाड्रेंट ऐसे गया हुआ। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो एक क्वाड्रेंट ऐसे गया है, देखो देख रहे हो ये क्वाड्रेंट। तो यानी कि ये वाला पोर्शन का डिजाइनिंग वाला पोर्शन को मुझे निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेगमेंट निकालेंगे पहले, हम लोग सेगमेंट निकालने के लिए ये कुछ ऐसा है हमारा, ऐसा है, तो ये है ट्रायंगल। तो हमें ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके और एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैच करेंगे तो ये एक का निकलेगा। इसी तरह से हमको दो का निकालना पड़ेगा। चलिए आइए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट का निकालेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेंट यहां और एक क्वाड्रेंट यहां, इसलिए तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट ठीक है, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट्स और माइनस क्या कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ दो ट्रायंगल का एरिया माइनस देंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो तो दो टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू ले लेते हैं कॉमन बाहर, तो टू कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारा क्या, खाली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ठीक है, क्वाड्रेंट्स और माइनस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, अगर देना है तो ABC दे सकते हो, ठीक है ना, ABC, क्योंकि ये जो जितना बड़ा ट्रायंगल ABC होगा उतना ही ट्रायंगल उतना बड़ा मेरा ADC भी होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो टू को टू रहने दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा क्या,
क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट के लिए बोल दो सेक्टर हो जाएगा हमारा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, और ये तो ये हमको 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 7 ही दिया हुआ ना, कहाँ गया भैया, 7 सेंटीमीटर हम बोल दिया रेडियस, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 बोला गया है, ये भी 7 बोला गया है। चल तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा वही क्या कि 1/4 होता है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि 1/4 होता है, अगर 1/4 नहीं करना तो मत करो, तो फिर 90 डिग्री लेना, ये हमारा 90 हो जाएगा, तो बाद धीरे धीरे वही आ जाएगा हमारा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस ये काम करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए, तो 2 को 2 रहने दो और उसके बाद पाई का वैल्यू डाल देता हूँ 22/7, आर हो गया हमारा 7 × 7 और थीटा हो गया हमारा 90, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, और बाय हो गया 360, तो 360 हो गया, इसको काटोगे तो 1/4 ही आएगा, तो इसलिए 1/4 ले रहा था मैं। चलिए 1/2 बेस हो गया हमारा 7 और हाइट भी हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि बेस भी 7 और हाइट भी 7। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए ये 7 से 7 कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाय में 4, और ये हो जाएगा इसको जब इससे काटेंगे तो बाय में हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 11। चलिए और सीधा से यहाँ तो खैर नहीं कटने वाला है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2, ओके, और यहाँ पर देखो यहाँ क्या बचा हमारा 11, 7 से 77, तो 77/2, ओके, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 49, तो 49/2, तो 49/2। चलिए एक काम करते हैं, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 कॉमन खींच लेते हैं और 2 बाहर है तो वो कैंसिल हो जाएगा हमारा। चलिए देखो तो 2 तो एक तो बाहर है और यहाँ से 1/2 कॉमन खींच लेते हैं, तो 1/2 कॉमन खींच लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 77 और माइनस हो जाएगा 49। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। चलिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए उसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, ओके, यहाँ हो गया हमारा 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल गया हमारा। एकदम ईजी था, सिंपल था, है ना, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी था इसका। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और समझ में आया नहीं आया कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताया करें मुझे, और इसके उसको बोलते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा तो फिर जो है आप प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है आप शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों से अपने जूनियर से सबसे शेयर किया करें। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में यानी कि एग्जांपल नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए बाबा अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।